Congratulations. So Bharat ki shaan hai ye yahan aur puri Indian team. T20 World Cup में भारत की शानदार जीत के बाद जश्न का माहौल। टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने के लिए खास पूजा का किया गया आयोजन। अंबानी परिवार ने खिलाड़ियों का किया सम्मान, भारतीय परिवार कहकर पुकारा। अवेटेड विश्व कप जीतने के उत्साह में स्टेज पर भावुक हुई नीता अंबानी। दरअसल T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की शानदार जीत से अब भी पूरे देश में जश्न का माहौल है, क्योंकि 17 साल के बाद ये मौका आया है जब टीम इंडिया ने ये शानदार जीत दर्ज कराई है। बारबाडोस के कैसिंगटन ओवल में आयोजित हुए फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हरा दिया और 11 सालों के बाद कोई ICC खिताब अपने नाम किया है। ऐसे में पूरी टीम में इसका जश्न मनाया गया। 4 जुलाई को बारबाडोस से लौटने के बाद टीम इंडिया ने विक्ट्री परेड निकाली, जिसमें भारी संख्या में लोग जुटे और टीम की जीत के जश्न में शामिल हुए। जब पूरे देश ने भारतीय क्रिकेट टीम की इस शानदार जीत का जश्न मनाया तो अंबानी परिवार कैसे पीछे रह जाता। वहीं अंबानी परिवार ने भी बेहद खास अंदाज में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत को सेलिब्रेट किया है। आपको बता दें कि टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने के लिए एक खास पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और सभी खिलाड़ियों ने बारी बारी कर पूजा की। अंबानी फैमिली ने छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की संगीत सेरेमनी वाले दिन ये खास पूजा आयोजित की और इसके बाद मंच पर सभी खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया। आपको बता दें कि नीता अंबानी जब मंच पर पहुंची तो उन्होंने पूरी सभा के बीच विश्व कप विजेता नायकों जैसे रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की तारीफ भी की। जैसे ही नीता अंबानी ने रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को स्टेज पर बुलाया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहीं संगीत सेरेमनी में मौजूद सभी मेहमानों ने तालियां बजाईं। इसी दौरान टीम इंडिया के प्लेयर भी काफी भावुक दिखे। वहीं नीता अंबानी ने बताया कि ये जीत उनके लिए कितनी व्यक्तिगत है, क्योंकि ये 3 दिग्गज खिलाड़ी उनकी मुंबई टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने इन्हें भारतीय परिवार कहकर पुकारा और इसी दौरान नीता अंबानी भी भावुक दिखी। वहीं मोस्ट अवेटेड विश्व कप फाइनल की जीत के उत्साह के साथ साथ यही उनकी आंखों में आंसू भी झलक आए। वहीं मोस्ट अवेटेड विश्व कप फाइनल की जीत के उत्साह के साथ साथ मैच के रोमांचक आखिरी ओवर को याद करते हुए नीता अंबानी ने बताया कि कैसे इस मैच के दौरान पूरे देश की सांसें थमी हुई थी। वहीं उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान हार्दिक पांड्या के बारे में लोगों की भावनाओं को बखूबी दोहराया कि कठिन समय नहीं टिकता, लेकिन कठिन लोग टिकते हैं।